नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का पांचवा दिन है। पांच दिन में ही बन गया है नया रिकॉर्ड। शुरुआती दिनों में श्रद्धालुओं ने बनाया है नया रिकॉर्ड और 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं चारधाम की यात्रा पर। रोजाना हजारों से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में टूटे हैं सारे पुराने रिकॉर्ड। यमुनोत्री के 12,148 श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री के 18,973 श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं। तो देखिए, चारधाम यात्रा में इस बार शुरुआत में ही दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों ने रिकॉर्ड बनाया है। यात्रा शुरू होने के पांच दिन में बीते वर्ष की तुलना में तीर्थ यात्रियों की संख्या 1.15 लाख से ज्यादा है। यात्रियों के उत्साह को देखते हुए प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि यात्रा नया रिकॉर्ड बनाएगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम और विकट भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद चार धामों में दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रोजाना हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर रहे हैं। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से यात्रा की शुरुआत हो गई है। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। 5 दिन के भीतर ही चारों धाम में 2.5 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल 22 अप्रैल 2023 को चारधाम यात्रा शुरू हुई थी। 5 दिन में 1.38 लाख यात्रियों ने दर्शन किए थे, जबकि पूरे यात्रा काल में दर्शन करने वाले यात्रियों का आंकड़ा 56 लाख से ज्यादा था। और यहाँ देखिए, पांचवा दिन है आज, लेकिन रिकॉर्ड पुराने सारे टूटते जा रहे हैं। 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने दर्शन कर लिए हैं। रोजाना हजारों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के तमाम सभी रिकॉर्ड जो है पुराने वो टूट चुके हैं। और आपको लगातार आंकड़े भी हम बता रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं से जुड़े तमाम पहलुओं पर गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने व्यवस्थाओं की मौजूदा हालत पर जानकारी दी है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि उत्तराखंड की धामी सरकार सभी श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित यात्रा को लेकर पूरी तरह से तैयार है। यात्रा के लिए अभी तक 26,73,519 तीर्थ यात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन यात्रियों का जिस तिथि के दिन रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, वो यात्री जिस तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाया है उस तारीख को यात्रा करेंगे तो व्यवस्थाएं बेहतर बनी रहेंगी। इस यात्रा में अभी तक 2,74,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार हर धाम में दुगनी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की सहूलियत के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, जिसके तहत गंगोत्री में यात्रियों के आने जाने के लिए गेट सिस्टम लागू किया गया है। तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए यात्रियों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी होने पर यात्रियों को होल्ड भी किया जा रहा है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि यात्रा के दरमियान अभी तक 11 तीर्थ यात्रियों की मौत भी हो चुकी है। हमारे प्रदेश में चार धाम यात्रा चल रही है। टोटल रजिस्ट्रेशन 14/5/2024 यानी कल तक 26,73,519 यात्रियों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर हम धाम वाइज देखें तो यमुनोत्री में 4,21,366 यात्रियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है। 4,21,366 यमुनोत्री में 4,78,576, बद्रीनाथ जी में 9,07,007, केदारनाथ जी में 8,13,558 और हेमकुंड साहब में 59,312। हेमकुंड साहब के कपाट आगे खुलेंगे भी।
टोटल 26,73,519 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। चारधाम यात्रा को शुरू हुए फिलहाल 5 ही दिन हुए हैं, लेकिन जाने वालों का हुजूम केदारनाथ के कपाट खुलने के साथ ही लगना शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, अब तक चारधाम यात्रा के लिए गए 11 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। चारधाम यात्रा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। यात्रा के शुरू होते ही चारधाम में भारी भीड़ लग रही है और देखिए, इसे भीड़ को देखते हुए 2 दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद भी किया गया। 15 और 16 मई को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। ये फैसला चारधाम की यात्रा के लिए आने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखते हुए लिया गया है। देखिए, चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन हरिद्वार और ऋषिकेश में किए जा रहे हैं। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि 15 अप्रैल से अभी तक 26,73,519 रजिस्ट्रेशन हुए थे। गंगोत्री में 4,21,366 रजिस्ट्रेशन किए गए थे। यमुनोत्री में 4,78,576 रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं। वहीं हेमकुंड साहिब के लिए अब तक 59,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। बता दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई से खुलेंगे। तो चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तरह के अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को 2 दिन बंद रखने का फैसला भी प्रशासन की तरफ से लिया गया है, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत पेश ना आए। जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है, सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। अब तक लाखों श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और लगातार ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी भी जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट के साथ। अनुज, लगातार जैसे कि अभी हमने खबरों में भी पढ़ा कि आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर चुके हैं। बसपा की प्रत्याशी हमारी बहन खड़ी है, हमारे 2 विधानसभा प्रत्याशी खड़े, सरकार बने तो इनको। अनुज, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। मोनिका, तो रजिस्ट्रेशन 20 लाख के आसपास हो चुके हैं। मेरी अनुज, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, आपसे फिर संपर्क करने का प्रयास हम करेंगे। तो 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम पहुंच चुके हैं। रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के सारे रिकॉर्ड, पुराने रिकॉर्ड जो है वो टूट चुके हैं। चलिए एक बार फिर से अनुज अवस्थी का रुख करते हैं। अनुज, तो 5 दिन में ही नया रिकॉर्ड बन गया है, बल्कि यूं कहें कि अगर पुराने सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं तो कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल मोनिका, मेरी आवाज जी। अनुज, अपनी बात पूरी कीजिए। मोनिका, 4-10 तारीख से हुई, आज 5वां दिन है। 26 लाख लोगों ने तक साथ ही साथ चारधाम यात्रा से 3 लाख धाम के बाबा अगर बात करें यात्रा तो उत्तर काशी की, अगर बात करें उत्तर काशी और गंगोत्री। तकनीकी कारणों से अनुज की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अनुज से फिर जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। इस बीच देखिए, तस्वीरें भी आपको वहां की दिखा रहे हैं और ये जानकारी भी दे रहे हैं कि पुराने सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूट चुके हैं। 5वां दिन है चारधाम यात्रा का और 5वें दिन ही नया रिकॉर्ड जो है वो बन गया है। 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा जो है पहुंचे हैं और लगातार रजिस्ट्रेशन लोग करवा रहे थे, लेकिन इस बीच देखिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को 2 दिन के लिए रोक दिया गया, चूंकि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और देखिए, प्रशासन इस बीच जो है होल्ड भी कर रहा है यात्रियों को। और एक अहम खबर ऋषिकेश से बताते हैं। ऋषिकेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत खराब है। ऋषिकेश के एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराई गई है और
जेरियाट्रिक वार्ड में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती करवाया गया है। सीएम की बहन शशि भी मां के साथ मौजूद है। 7 साल से ज्यादा उम्र के लिए ये वार्ड बनाया गया है। सीएम योगी की मां की उम्र तकरीबन 85 साल है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को ऋषिकेश के एम्स में भर्ती करवाया गया है। उन्हें खास वार्ड में रखा गया है डॉक्टर्स की देखरेख में। एम्स प्रशासन का कहना है कि वृद्धावस्था में होने वाली दिक्कतों के चलते उन्हें रूटीन चेकअप के लिए भर्ती करवाया गया है। योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी 85 साल की हैं। उनको एम्स के जुरियाट्रिक वार्ड में भर्ती करवाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एम्स प्रशासन ने कहा कि ज्यादा उम्र के चलते होने वाली समस्याओं का रूटीन चेकअप होना है और इसी को लेकर सावित्री देवी यहां पहुंची हैं। विभिन्न विभागों के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के स्वास्थ्य की जांच की है। एम्स के पीआरओ संदीप कुमार ने सावित्री देवी के भर्ती होने की पुष्टि भी की है। हालांकि देखिए, राहत की बात यह है कि ऐसा बताया जा रहा है रूटीन चेकअप के लिए उन्हें एडमिट करवाया गया है। फिलहाल हालांकि उनकी तबीयत नासाज बताई जा रही है। 85 साल उम्र बताई जा रही है योगी आदित्यनाथ की मां की। और देखिए, फिलहाल सीएम की बहन शशि भी अपनी मां के साथ मौजूद है, चूंकि उन्हें एम्स में एडमिट करवाया गया है रूटीन चेकअप के लिए और जरूरत पड़ने पर आगे का इलाज जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत नासाज बताई जा रही है और इसी के मद्देनजर ऋषिकेश के एम्स में उन्हें एडमिट करवाया गया है। हालांकि बताया जा रहा है सावित्री देवी जो कि योगी आदित्यनाथ की मां है वो एडमिट है ऋषिकेश के एम्स में। ये पुष्टि की है एम्स के पीआरओ संदीप कुमार ने और कहा है कि सावित्री देवी के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है क्योंकि उनकी तबीयत नासाज बताई जा रही थी। हालांकि वृद्धावस्था के चलते जो समस्याएं आती हैं उनकी वजह से ही रूटीन चेकअप के लिए उन्हें एडमिट करवाया गया है। ये जानकारी एम्स प्रशासन ने साझा की है। और देखिए, वृद्ध लोगों के लिए खास वार्ड जो है यहाँ पर है, वहीं पर योगी आदित्यनाथ की माँ को एडमिट करवाया गया है। फिलहाल उनके साथ योगी आदित्यनाथ की बहन भी मौजूद है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आ रहे हैं, लगातार उनके दौरे, जनसभाएं और रैलियां हैं। इस बीच खबर उनके परिवार से जुड़ी हुई जहां पर उनकी मां सावित्री देवी की तबीयत नासाज बताई जा रही है और उनके इलाज के लिए उन्हें ऋषिकेश के एम्स में एडमिट करवाया गया है जहां पर एक खास वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये खास वार्ड तैयार किया गया है जहां पर सावित्री देवी जो कि योगी आदित्यनाथ की मां है उन्हें एडमिट करवाया गया है। रूटीन चेकअप हालांकि बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। केरल में बर्ड फ्लू फैलने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के सभी 13 जिलों में पक्षियों के लिए 50-50 सैंपल लिए जाएंगे। वहीं सैंपल इकट्ठा करने के बाद उन्हें रुद्रपुर स्थित पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला के माध्यम से भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब में भेजा जाएगा। वहीं सचिव पशुपालन की ओर से सभी जिलों के पशु चिकित्सा अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो केरल में बर्ड फ्लू फैला और उसके बाद उत्तराखंड में भी इसे लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। पशुओं में बुखार आने पर सैंपल लेने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है, दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और बर्ड फ्लू के केस सामने आने के बाद ये अलर्ट जो है ये अब उत्तराखंड में भी जारी कर दिया गया है। पशुओं में अगर बुखार आता है तो उसे संजीदगी से लिया जाए और सैंपल कलेक्ट किए जाए, उसके बाद उन्हें भोपाल में भेजा जाएगा जहां पर जांच होगी। तो तमाम तरह की कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं स्वास्थ्य महकमे की तरफ से। चिकित्सा अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी जिलों के पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जो है वो जारी हुए हैं। पशुपालन सचिव की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
और देखिए सैंपल लेने के बाद भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब में इन्हें भेजा जाएगा। तो केरल में बर्ड फ्लू फैलने के बाद तैयारियां जो है उत्तराखंड में भी कर ली गई हैं ताकि यहां पर किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके, ये खास तैयारियां कर ली गई हैं। चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एसटीएफ ने हरिद्वार में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। मौके से इसके सरगना को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने ठगी के लिए कुल 11 लोगों की टीम बनाई है जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां देकर देश भर से ठगी की जाती थी। ये गिरोह क्रेडिट कार्ड बनवाने का लालच देकर ठगी करता था। मूल रूप से शामली के रहने वाले सरगना के खाते में कुल 70 लाख रुपए का लेन देन मिला है। एसटीएफ ने उसके पास से 25,000 रुपए भी बरामद किए हैं। आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि गृह मंत्रालय के आईफोसी पोर्टल से जानकारी मिली थी कि देश भर में धोखाधड़ी की 22 घटनाओं से संबंधित गिरोह हरिद्वार से संचालित हो रहा है। इस पर एसटीएफ इंस्पेक्टर यशपाल सिंह बिष्ट की ने टीम बनाई और टीम बनाकर पड़ताल की गई। मोबाइल नंबर्स और बैंक खातों की जाँच की गई तो पता चला कि इनमें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से पैसा जमा किया गया है और साथ ही साथ ट्रांसफर भी किया गया है। तो हरिद्वार में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है और जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार भी कर लिया है एसटीएफ की टीम ने। ये इंटरनेशनल कॉल सेंटर यहां पर अवैध रूप से चल रहा था और देखिए इसके साथ ही साथ कई खातों को भी सीज किया गया है, बैंक खातों को, और इसके जो तार हैं वो कई दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सेंटर रावली मेडियो तो जनपद हरिद्वार में कार्य कर रहा था, इसमें जो मास्टरमाइंड था विपिन पाल इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अन्य साथियों की जानकारी प्राप्त हुई है। जो इंटरोगेशन में सामने आया है कि ये लोग क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों को कॉल करते थे कि हम आपको क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का ऑफर करना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको मिलेगा, और उसके बाद में उनको एंगेज करके उनको एक फिशिंग लिंक भेजा जाता था और जो विक्टिम है वो जब उस लिंक पर क्लिक करता था तो उसके फ़ोन की एक्सेस इन फ्रॉडर्स के पास में पहुँच जाती थी और उसके बाद में ये उसके बैंक खाते का, उसके UPI ऐप का एक्सेस लेकर अपने खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर लेते थे। पिछले 7-8 महीने से जो इनसे पूछताछ में आया कि 7-8 महीने से इस तरह का गैंग चल रहा था और लाखों करोड़ों रुपए की इनके द्वारा अभी तक धोखाधड़ी की गई है। कल घटनास्थल से बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स, बैंक अकाउंट की पासबुक्स, POS मशीन बरामद हुई है। और अब खबर हरिद्वार के ज्वालापुर से जहां दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि घटना यहां के मोहल्ला चकलान की है। यहां रहने वाली तीर्थ पुरोहित परिवार की महिला अर्चना शर्मा घर पर अकेली थी, तभी घर में घुसकर किसी ने बुजुर्ग महिला के सिर और चेहरे पर धारदार हथियार से हमला किया। वही पूरा परिवार हर की पौड़ी पर स्नान करने गया था और वहां से लौटे परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने छानबीन शुरू की। वही घटना स्थल पर पहुंचे SSP परमेंद्र डोभाल ने लूट की घटना से इनकार करते हुए जल्द ही हत्याकांड के खुलासे का दावा किया है। तो पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। एक बुजुर्ग महिला की हत्या से इस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से लूटपाट की घटना से इनकार कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि एक हत्याकांड है जिसका जल्द ही पर्दाफाश कर दिया जाएगा। देखिए ये भी जानकारी मिल रही है कि जब महिला की हत्या हुई तो घर वाले घर से बाहर गए हुए थे, महिला घर पर अकेली थी। आज दिन में श्रीमती अर्चना शर्मा ये चाकलान मोहल्ले में ज्वालापुर क्षेत्र में रहती थी और संयुक्त परिवार में रहती थी। आज इनका परिवार हरिद्वार में, काफ़ी लोग आज क्योंकि गंगा स्नान के पर्व में वहीं थे, ये यहाँ पर आज अकेले थी। इस बीच यहाँ पर कुछ इनके साथ इनके सर पर चोट मार के इनकी हत्या की गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, जल्दी ही हम इसको वर्कआउट भी करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ अड्डे। नमस्कार।